अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और इस वक्त हम मौजूद हैं सुपीरियर फेस्ट 2023 पर और इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच सर, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय योर लीडरशिप स्किल्स। सो मैं पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली आपका जो विजन है एक यूनिवर्सिटी को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उसने बहुत से स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। सो इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनकी वजह से ऑब्वियसली लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स में। आपको क्या लगता है कि विद सच काइंड ऑफ इवेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे लीडर बन सकते हैं बोथ ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड? मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो अमली मैदान में ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बच्चों में फाइटिंग स्पिरिट मांग रही होती हैं, टीम वर्क मांग रही होती हैं, वो हार को बर्दाश्त करने वाले स्टूडेंट्स चाह रही होती हैं, वो जीतने के जज्बे वाले स्टूडेंट्स चाह रही होती हैं। तो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है, शुक्र है कि ये रवायती कॉलेजेस की तरह ट्यूशन सेंटर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ लीडर पैदा करते हैं। हमारी कौम को लीडर्स की ज़रूरत है, हमारी इस कौम को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो फाइटिंग स्पिरिट रखते हों, जो आगे बढ़ने का जज्बा रखते हों, जो लास्ट बॉल तक फाइट कर सकते हों और जो टीम की सूरत में एक दूसरे के साथ काम करते हों। अफसोस ये चीज़ें खेल के मैदानों में सिखाई जाती हैं और हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में से ये खेल मादूम होते जा रहे हैं। लेकिन सुबह यूनिवर्सिटी को एजाज़ है कि इंटर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में उसकी तीसरी पोजीशन है HEC लेवल पर। इसी तरह सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को भी एजाज़ है कि वो ये वो नौजवान पैदा कर रहा है जो जीत के जज्बे के साथ है। तो मेरे ख्याल में जज्बा बड़ा मैटर करता है और आजकल के डिप्रेसिव इन्वायरमेंट में जब आप TV लगाएं तो हर तरफ तबाही, बर्बादी और इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें हो रही हैं। आप देखें हमारा नौजवान फोकस है अपनी जीत पर, अपनी लड़ाई लड़ रहा है और टीम की सूरत में काम कर रहा है। तो बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इन मेले ठेलों की, सेलिब्रेशंस की, ताकि डिप्रेसिव इन्वायरमेंट में लोग बाहर आएँ। और मैंने देखा कि जब नौजवानों को ऐसी सेलिब्रेशंस की अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो फिर पढ़ाई में भी भरपूर तवज्जो देते हैं और टीचर्स की भी बात सुनते हैं, वालदैन की भी बात सुनते हैं। अफसोस हमारे यहाँ खेल के मैदान भी ख़त्म होते जा रहे हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म होती जा रही हैं और कॉलेजेस भी सिर्फ ट्यूशन सेंटर्स रह गए। उन ट्यूशन सेंटरों में सिर्फ ज़ॉम्बीज़ पैदा हो सकते हैं। तो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये एजाज़ है कि ये डिफरेंट है, ये नौजवानों को ना सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में एक्सपर्ट करता है बल्कि उसके साथ साथ खेल के मैदान से उसका ताल्लुक, मिट्टी से रिश्ता जोड़ता है, उसे कल्चरल वैल्यू सिखाता है, उसे सेलिब्रेट। लाहौरियों का और पंजाबियों का मेले ठेले तो इनकी रवायत ही जो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को दिखाकर आप मेरा ख्याल है कौमी खिदमत कर रही हैं। जब हर तरफ डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें हैं तो ये इस तरह की सेलिब्रेशन दिखाना चैनल्स को यही करना चाहिए। तो मैं नियो का, लाहौर रंग का, आपकी सारी टीम का और बाकी चैनल्स जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। एक और सवाल सर आपसे पूछूंगी कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं आपको क्या लगता है इनसे हेल्थ, फिटनेस, वेलनेस वो प्रमोट होती है बोथ फिजिकली एंड मेंटली किसी भी स्टूडेंट की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो TV स्क्रीन है या मोबाइल स्क्रीन है या iPad स्क्रीन है उससे बच्चे को दूर करें, लेकिन उनको तो ऑल्टरनेटिव चाहिए ना। जब आप खेल के मैदान ही पाकिस्तान में नहीं है और इनकी प्रायोरिटी नौजवानों की इस तरह ज़हनी नमूदो नमाई तरक्की नहीं है, वो कहते हैं कि हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी माइंड होगा ना। तो जब आपकी बॉडी हेल्थी नहीं है और सारा दिन आपने मोबाइल, सोशल इंटरेक्शन तो रह ही नहीं गई। तो ये बहुत बड़ी कौमी खिदमत है जो मेरे ये प्रोफेसर्स कर रहे हैं और जिस तरह जोश जज्बा आपने देखा, जो मोहब्बत का ये इजहार कर रहे हैं, ये कमाल है। बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह के इवेंट्स से डेफिनेटली जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड और कल्चर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको यकजा करने का भी मौका मिलता है। इस वक्त हमारे रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी इस तरह के इवेंट्स से आपको क्या लगता है कि जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होती है और साथ ही साथ जो हम इस तरह के इवेंट्स से एम्पावर कर सकते हैं खवातीन को, लड़कियों को? एक तो सबसे पहले आज के इस इवेंट पे मैं पूरी इंतज़ामिया को कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरीके से आज का ये इवेंट इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़ किया गया है ये काबिले तारीफ़ है। और स्पोर्ट्स की यू नो देर इज़ ऑलवेज़ अ इम्पॉर्टेंस और इसके बगैर नहीं चल सकते। और स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग बियॉन्ड क्लास रूम्स ये एक बहुत अच्छा जो है वो अमली मुजाहरा होता है जब बच्चा एक टीम वर्क सीखता है और वो गिर के दोबारा खड़ा होना सीखता है, उसके
अंदर जो है वो लीडरशिप स्किल्स आती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि कॉलेजेस के लेवल पे ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है और इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो हमें प्रमोट करना चाहिए। इससे यूथ का माइंडसेट जो है वो प्रमोट होता है टुवर्ड्स टीम वर्क, टुवर्ड्स विनिंग एटीट्यूड। तो ये जो इवेंट्स हैं ये बहुत अच्छा जो है वो उसको सीखने का जज्बा जो है वो सिखाते। बिल्कुल ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि करंट सिनेरियो में हमारे मुल्क में जो इस वक्त हैं क्या क्या चैलेंजेस स्पोर्ट्स को हैं, और विद सच काइंड ऑफ इवेंट्स जिस तरह से सुपीरियर ने पहले भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने भी एक फेस्टिवल किया था और साथ साथ एनुअल स्पोर्ट्स गाला था और आज भी सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये इवेंट है, सो आपको क्या लगता है कि वो जो इश्यूज जो हैं की चैलेंजेस जो हैं वो एड्रेस होते हैं? मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह का ये डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट पॉलिटिकल लेवल पे चल रहा है तो इस तरह के इवेंट्स जो है वो एक सेंस ऑफ होप और समझे जोश और वलवला देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है और इस तरह ज़रूर सेलिब्रेशन होनी चाहिए। इससे ना सिर्फ हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं बल्कि वो जो एक स्पिरिट है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको खेल के मैदान में भी आगे होना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे वो सीखेंगे। थैंक यू सो मच।